वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त जतिन सिंह और आप देख रहे हैं स्मार्टमैन टेक। दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे मोटोरोला के एक बहुत अच्छे फोन की, जो कि 10,000 रुपए की रेंज के अंदर आता है, 5,000 एमएच की बैटरी आती है, जिसका नाम है मोटोरोला पावरलाइट G8। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि इस फोन के अंदर क्या है और हमें कंपनी की तरफ से इसकी अनबॉक्सिंग में क्या क्या मिलता है। तो आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे इसकी और देखेंगे कि क्या पाएंगे हम मोटोरोला के इस फोन के अंदर। तो बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, सो दैट कि हमारे आने वाले हर वीडियो के बारे में आपको पता लग सके। लेट्स गो फ्रेंड्स, ये है मोटोरोला पावरलाइट G8 की अनबॉक्सिंग और देखते हैं बॉक्स में क्या है। इन्होंने 5000 mAh बैटरी को डिस्क्राइब किया है बॉक्स पे, बाकी और कुछ खास नहीं है। तो हम बिल को साइड करेंगे और बॉक्स को जल्दी से अनबॉक्स करेंगे। आई कांट वेट। ओके, सो दिस इज अवर फोन एंड इट्स लुक्स प्रीटी अमेजिंग। काफ़ी बड़ी स्क्रीन है, मोबाइल कवर इंक्लूडेड है, ऑलरेडी लगा हुआ है एंड ये रॉयल ब्लू एंड आर्कटिक ब्लू कलर में आता है। तो आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे आर्कटिक ब्लू कलर की। वेरी ब्यूटीफुल, डिसेंट डिजाइन। तो इसको साइड में रखते हैं, आगे देखते हैं क्या है। ये आई थिंक इट्स जस्ट कार्डबोर्ड, नथिंग एल्स। तो आगे बढ़ते हैं, ये शायद हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किए हुए हैं एंड काइंड ऑफ यूजर मैनुअल। यू कैन सी डिटेल्स ऑफ द फोन, फोन के अंदर क्या क्या है। एक और डॉक्यूमेंट है ये, क्वालिटी नॉर्म्स। ओके, तो इसको भी हम साइड में रखेंगे। और ये मेड इन इंडिया 2 SIM+ SD कार्ड फोन है एंड ये है हमारा सिम इजेक्ट टूल। साथ में ये निकला है हमारा चार्जर और ये चार्जर हमें लग रहा है कि ये 10 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है इसका। एंड ये आई थिंक टाइप सी चार्जिंग नहीं है, तो इट्स डेटा एंड चार्जिंग केबल। चलिए इसको साइड रखते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने फोन की तरफ, मोटो पावरलाइट G8। ओके, तो ये कंपनी ने स्क्रीन गार्ड दिया है, स्टैंडर्ड स्क्रीन गार्ड है। तो ये सब कुछ आपको साथ में मिलता है, मोबाइल फोन, स्क्रीन गार्ड एंड बैक कवर एंड चार्जर एंड सिम जैक 2। ओके, इट लुक्स प्रीमियम। स्पीकर पीछे दिया हुआ है, माइक्रोफोन बॉटम में दिया है, फिंगरप्रिंट सेंसर पे मोटोरोला ब्रांडिंग दी गई है। ट्रिपल कैमरा सिस्टम में 16 MP रियर कैमरा और 8 MP फ्रंट कैमरा। नॉइज कैंसिलेशन माइक दिया हुआ है बॉडी में, ऑडियो जैक जो है टॉप ऑफ डिवाइस में और प्लास्टिक मैट फिनिश बॉडी है इसकी। पावर जैक नीचे दिया हुआ है, देखने में काफी अच्छा लग रहा है। तो हम इसका स्टिकर ओपन करेंगे, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 6.5 इंचेस TFT LCD स्क्रीन, लुक्स नाइस। इसका बॉडी वेट अप्रॉक्सीमेटली 200 ग्राम्स है, तो बहुत ज़्यादा भारी नहीं है। सो हमने स्विच ऑन किया अपने फ़ोन को एंड ग्राफिक्स प्रिटी कूल लग रहे हैं। हेलो मोटो, आई थिंक ग्राफिक्स आर प्रिटी नाइस। MediaTek Helio P35 प्रोसेसर इस फोन के अंदर। Android बेस्ड थीम है एंड दिखने में काफी अच्छा लग रहा है।
तो इसके अंदर हमें एंड्रॉयड 9.0 मिला है और आई थिंक प्रीटी सून एंड्रॉयड 10 का भी अपडेट आएगा। स्विच ऑन बटन पे ग्रिप है, सो दैट्स नाइस। स्लाइडिंग स्मूथ है, स्क्रीन इज नाइस। ओके, तो हम देखेंगे इसमें इजेक्ट करके सिम ट्रे। ओके, तो ये सिम 1, सिम 2 एंड डेडिकेटेड एसडी कार्ड स्लॉट। तो हम दो सिम और एसडी कार्ड यूज कर सकते हैं एक साथ। स्क्रीन रेजोल्यूशन काफी अच्छा लग रहा है देखने में। क्लॉक डिस्प्ले काफी लार्ज है इसकी। सबसे बड़ी बात ये वाटर रेपेलेंट डिजाइन है, यानी कि काइंड ऑफ स्प्लैश प्रूफ एंड ऑल, बट वाटर प्रूफ नहीं है ये, आप ध्यान रखिए। स्मूथ स्लाइड है काफी। 16 मेगापिक्सल का रियर कैमरा जो है बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगता है। हाँ, आगे बढ़ूंगा तो मैक्रो ज़्यादा बेटर लगा मुझे इसका वीडियो ऑप्शन में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मोटरोला ने अपने फोन के बैक साइड में यानी कि सेंसर के ऊपर अपनी ब्रांडिंग दी है। कैमरा की जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही ब्यूटीफुल नजर आ रही है। स्पीकर इन्होंने बैक साइड में दिया है और पावर जैक जो है वो नीचे है एंड ऑडियो आउटपुट जो है वो आपका ऊपर की साइड दिया है। तो दोस्तों, ये फोन दिखने में बहुत ब्यूटीफुल है, आप यकीन मानिए। इसका वेट बहुत अच्छा है एंड ना बहुत ज़्यादा भारी है, ना बहुत ज़्यादा हल्का है और लुक्स प्रीमियम इनफ। और ये देखिए, ये है मोटरोला पावरलाइट G8। 4GB 64GB का ये फ़ोन, अमेजिंग फ़ोन है यकीन मानिए। और मुझे लगता है कि ये फ़ोन सब लोग पूछने वाले हैं कि अरे ये कौन सा फ़ोन देता है। इट्स सेइंग हेलो मोटो, वाह। तो ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं इस फ़ोन के और काफ़ी मैसिव इसका स्क्रीन है। तो आज हमने अनबॉक्सिंग की है मोटरोला के इस फ़ोन की, जो कि 10,000 रुपये की रेंज के अंदर आता है और बहुत ही अमेजिंग फ़ोन है। तो आगे भी हम करेंगे अनबॉक्सिंग कई सारे फ़ोन्स की, तो जुड़े रहिए हमसे। और मैं हूं आपका दोस्त जतिन सिंह और आप देख रहे हैं स्मार्टमैन टेक। हम फिर मिलेंगे।